सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बी ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है अनबॉक्सिंग का, और आज मैं लेके आया हूँ ये गोरिल्ला पॉड अनबॉक्स करने के लिए, जो कि मैंने अमेजोन से ख़रीदा है। और एक माइक है और इसमें दो पिन है, जो एक कैमरे के लिए है, एक मोबाइल के लिए है। तो आज मैं ये पूरा सेटअप आपको दिखाने वाला हूँ, और कैसा है इसका क्वालिटी वो भी दिखाऊंगा, और इसे वीडियो शूट करने का क्या क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। दिखने में काफ़ी अच्छा है, लुक प्रीमियम है, और ये दिखा देता हूँ। इसके पीछे एक लेबल लगा हुआ है, और ये इस तरह खुलता है। पहले आपको ऐसा फोल्ड करना पड़ेगा, ऐसे इधर लगा हुआ ऐसा निकलेगा, और यहाँ पर मोबाइल कुछ इस तरीके से लगा लेना होगा। और इसमें एक है 360 डिग्री रोटेट करने के लिए, ऐसे रोटेट होता है 360 डिग्री में। और यहाँ पर लॉक लगा हुआ है इसको लॉक करने के लिए, जो कि ऐसे 360 डिग्री में किधर भी घुमा सकते हैं। और मैं इसको सही से लगा लेता हूँ, लॉक कर लेता हूँ। तो इसे शूट करने का फ़ायदा मैं बताता हूँ आप लोगों को, ब्लॉगिंग करने के लिए कैसे ब्लॉग करना चाहिए इसे। तो ये माइक मैंने मंगाया था, इसको इसमें एक फ़ायदा है जो आपको ख़रीदने के लिए, ऊपर माइक लगाने के लिए आपको एक पिन दे देता है, यहाँ पर ऐसे लगाते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसको यहाँ पर ऐसे मैंने उल्टा लगा दिया, इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे टाइट कर देंगे, तो ये टाइट हो गया, देख लीजिए ऐसा। और पीछे लगेगा इसके ये मोबाइल, इसमें मोबाइल का सिंबल दिया हुआ है ऐसा, ये मोबाइल में लगेगा ऐसा, जो दिखता है इधर दिया है ये माइक में लगेगा। अब माइक में लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से ऐसे दिखेगा। अब इसको ऐसे ब्लॉगिंग करेंगे, इसको कुछ ऐसे ब्लॉगिंग करेंगे। वेलकम बैक टू बी ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है कुछ अलग ही किस्म का, अलग ही टाइप का, क्योंकि आज मैं अनबॉक्सिंग किया हूँ ये ट्राइपॉड, और इसका वीडियो दिखाने वाला हूँ। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे बी ब्लॉग यूट्यूब चैनल को। तो कैसा लगा वीडियो, तो कुछ इस तरीके से मैं ब्लॉग करने वाला हूँ, और जाऊँगा मुंबई, तो उसके लिए मैं ये मंगाया हूँ पूरा सेटअप ब्लॉगिंग का। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर इसको बाय करना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ख़रीद लेना वहाँ से जाके। तो और मैं इसका कुछ फ्यूचर बता दे रहा हूँ, वीडियो शूटिंग करने का क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि अगर हम वीडियो शूट कर रहे हैं ऐसे, अगर हम ऐसे वीडियो शूट कर रहे हैं तो अचानक में अगर किसी को दिखाना होगा सामने, तो हम ऐसे करके दिखा सकते हैं, तो ऐसे करके दिखा सकते हैं हम तुरंत, ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें ये अच्छा बात है, और मोबाइल से ऐसे थोड़ा दूर में करके बनाएंगे वीडियो तो वो भी अच्छा दिखता है पीछे का, तो थोड़ा लंबा हो जाता है ना इसलिए। अब अगर मोबाइल से बनाऊँगा तो थोड़ा कम दिखेगा, और ऐसे बैकग्राउंड ज़्यादा दिखता है, तो इसमें ये अच्छी बात है गोरिल्ला पॉड लेने के लिए। तो ये माइक मैंने इसलिए लिया है, इससे थोड़ा रोड पे चलते समय जो नॉइज रिडक्शन आता है वो थोड़ा कम आता है, और अच्छी तरीके से आपका आवाज़ कैप्चर करता है, तो इसलिए इसको मैंने मंगाया। इससे थोड़ा खड़बड़ का आवाज़ कम आएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना।